स्काउट मधुमक्खी जो रोज़ उड़ के नए फूलों की तलाश में जाती है, नेक्टर लेती है सैंपल के तौर पे और दूसरों मधुमक्खियों को बताती है कि यहाँ पर ये फूल है। पर मुख्य समस्या यह है कि दूसरे मधुमक्खियों को कैसे पता लगेगा कि इस जगह पे ही फूल है। इस चीज़ को मधुमक्खियाँ संचार करती हैं बी डांस से, यानी कि मधुमक्खी नाच से। तो पहला डांस है राउंड डांस। इसमें जब फूल 50 मीटर के अंदर होता है तब मधुमक्खियाँ करती हैं। ये इसमें एक सर्कल एक गोलाई में ऐसे आगे जाती हैं फिर पीछे आती हैं, तो एक गोलाई में इस चीज़ को करती हैं। इसके बाद बाकी मधुमक्खियाँ समझ जाती हैं कहाँ जाना है और वो नेक्टर चखने के बाद वो सब उड़ जाती हैं उस जगह पर। पर जब फूल 150 मीटर से आगे हो तब ऐसे में उसकी डायरेक्शन यानी कि उसकी दिशा और उसकी दूरी मायने रखती है, तो ऐसे में मधुमक्खियाँ करती हैं वैगल डांस। तो वैगल डांस में कुछ इस तरह का मूवमेंट होता है जिसमें वो हिलती हुई वैगल करती हुई और आवाज़ करते हुए पंखों से ऐसे कुछ सेमी सर्कल में चलती है। तो पर अब बात रही और मधुमक्खियों कैसे पता लगेगा इस डांस से कि कितनी दूर है। तो जितना टाइम वो डांस में लेगी, यानी कि अगर वो 1 सेकेंड लेती है तो उसका मतलब है 1 किलोमीटर, अगर 2 सेकेंड ले रही है तो 2 किलोमीटर, ऐसे ही जितने ज़्यादा टाइम लेगी उतना दूर के संदेश होते हैं। तो अब दूरी के बाद बात रही दिशा की, तो वो कैसे पता लगेगा। तो उसके लिए मधुमक्खियाँ जो भी डांस कर रही है वो इस एंगल पे करती है जैसे ऊपर की तरफ होता है सूरज, तो सूरज से कितने एंगल में वो डांस करेगी यानी कि कितना मुड़ के डांस करेगी। अगर सीधे आगे है तो 90 डिग्री पे एंगल लेके वैगल डांस को पूरा करेगी। तो ऐसे ही जहाँ पर भी फूल होंगे उसी हिसाब से उस एंगल पे जाके वो डांस करेंगे, जिसे फॉलोअर भी समझ जाएंगे और उसी तरफ जाएंगे। इतनी छोटी मधुमक्खी और इतना हाईटेक संचार, तो है ना कमाल की बात। ऐसे ही कृषि शिक्षा और कृषि ज्ञान के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, बेल आइकन दबाएं अपडेट के लिए।